टू मी यू नो आई एम जस्ट लाइक ऑब्वियसली आई हैव नॉट स्लेप्ट आई हैव जस्ट कम बैक होम आई एम नॉट गोइंग टू स्लीप अ विंक इन दिस हाउस बिकॉज साक्षी अपना भाषा खोल के मेरी चूत रगड़वाएगी थोड़े दूध दबाएगी क्लाइंट कितने तैयार करेगी ना आई हैव जस्ट बीन थिंकिंग व्हाट दे हैव बीन डूइंग टू मी इन दिस माय ओन करोड़पति आई एम दीज आर माय प्रॉपर्टीज आई एम नॉट रेंटेड देम आई ओन देम दे आर माय ओनरशिप प्रॉपर्टी इज अबव 2 crores हियर ओके So, I'm just thinking, what have they been doing to me? So basically, when I wrote the script of that web series, उसे देख के खान की लंड खड़ी हो गई और सोनाक्षी का भोसड़ा मुरझा गया क्योंकि उसे पता था कि जवान रिलीज हो रही है और उसकी और उसके बाप और उसकी माँ की रंडीखोरी सामने आने वाली है जो इन्होंने मेरे एज का प्रोपोगेंडा किया था संबल के नाम से पाकिस्तान से पहले ही बता चुकी हूँ कि पाकिस्तान में किसी बहुत बड़े आदमी को जानता है उसके थ्रू इसने सारा कांड किया था ऐसे रंडे चेचक लंड ने तो इनकी गांड फटी कि अकेली गई है गोवा बड़ी बिकिनी में घूम रही है पहले तो गांड जली फिर गांड फटी कि शाहरुख खान जैसा बड़ा नाम इसका साथ दे रहा है इनडायरेक्टली उसने कभी मुझे रिपोस्ट नहीं किया कभी एक्नॉलेज नहीं किया क्यों सलमान खान और इस रंडे शत्रुघ्न सिन्हा की वजह से ओके तो मैं गोवा आई क्योंकि यू नो आई वॉजन डूइंग एनी वर्क इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री मेरे बाप का ये इन्वेस्टमेंट बैड डेट में जा रहा था तो मैंने कहा चलो मैं अपने छोटा सा बिजनेस शुरू करती हूँ मैं जून 28 को यहाँ लैंड की हूँ कि आई कैन टैप इन टू द सीजन विच स्टार्ट्स इन नवंबर ओके अभी आधा दिसंबर ख़त्म होने को आया मेरा बिजनेस नहीं शुरू होने दिया घंटी बजने लगी ना सर पे तो जब ये सब हुआ तो सोनाक्षी के भोसड़े में लगा लकवा और वो जाके अपने 2 inch की लंड को चूसी जबरदस्त कि साले कीड़े ने पैसा भरा चेचक लंड की गांड में जा घंटी बजा पूजा मिश्रा के सर पे मुझे मेरे बाप मेरे भाइयों को चुदवा और तेरी बेटी को मैं चमकाऊंगा क्योंकि उसे मुझे खेल में रखना है इतनी बड़ी रंडी खोरी और साबटाज जो ये कर रही है पूजा मिश्रा के ट्रोल अकाउंट खोल के ट्विंकल बाबो के नाम पे करोड़ों कमा के यूट्यूब से तो इसका भांडा फूटने वाला है तो कैसे जो हमने 20 साल पहले किया था ना दबंग 1 में उसे कैसे रिपीट किया जाए कितना शातिर रंडा है ना सलमान खान और उससे ज्यादा शातिर रंडी की औलाद है शत्रुघ्न सिन्हा तो इन दोनों ने अपना दिमाग लड़ाया कि अपनी भसड़िया जो लंड चूसती लपक के कुतिया की तरह नंगी लेट के मेरे को चिदवा के मेरा माल चुरा के निकल जाती है ये सोनाक्षी सिन्हा इतनी बड़ी स्टार की उस पर मैं हगू ना तो इन दोनों ने अपना दिमाग चलाया कि अपनी भसड़िया को कैसे बचाएं और सबको पता है कि शत्रुघ्न सिन्हा एक नंबर का रंडी इंसान है पैसे के लिए वो अपनी बीवी को बेचता है तो जब उसकी गांड में लंड चूसने के बाद 2 inch की लंड की शांति मिली तो उसने जाके इसके बाप की गांड में पैसा भरा कि पूजा मिश्रा को तू गोवा बुला चूतिया बना के जैसे इन लोगों ने मुझे शहर शहर नचाया था इवेंट के नाम पे मेरे खुद के पैसे स्पेंड करा के मुझे मेरी फ़ोटो और मेरी रील नहीं देते थे उसी तरह का खेल इनके दिमाग में आया सोनाक्षी का भाषा चमकाने के लिए और 20 साल बाद उसके भाषा में फिल्म पैर की ट्रॉफी गजवाने और मेरी चूत दिमाग और पैसा चौथने मुफ्त का तो इन लोगों ने मुझे यहाँ गोवा में इसीलिए बुलाया था यही सब करने के लिए क्योंकि इनकी कार पट रही थी कि जवान से इनका पाटा फूटेगा कि कैसे इन लोगों ने मुझे 28 साल नौकर बनाया 2009 में इसकी रंडी सिंदूरनी ने मुझे कुछ खिलाया था जिससे इसके जिन मुझे घेरे रहते थे और मुझे पागल करते थे सारा क्रेडिट ये कुतिया और इसका लौड़ा ले जाते थे और मेरी गाड़ घिसवाते थे तो आई जस्ट केम एज एन अनसस्पेक्टिंग विक्टिम विच आई शुड हैव नेवर मैं गोवा आई ये सोच के कि 2 paise हाथ में आएंगे मैं यहाँ से निकल के चली जाऊँ आई जस्ट हेट माई लाइफ एंड व्हाट आई एम रियलाइजिंग राइट नाउ एनीबडी एल्स विल जस्ट कमिट सुसाइड आई डोंट वांट टू लिव आई डोंट वांट टू लिव आफ्टर बीइंग एक्सप्लॉइटेड फॉर 28 years
भर के शत्रुघ्न सिन्हा से तांत्रिक बैठाया मेरे सर पे और घंटियां बजनी शुरू हुई. एंड देन यू सीन माई फर्स्ट विलॉग, आई टोल्ड यू व्हाट दे डिड टू मी. आई वॉन्टेड टू मेक अ सेकेंड एडिशन, तो चेचक लंड की लंड में लकवा लगा, मेरे घर से मोबाइल उठवा लिया. कखन जाके मेरी ब्रेस्ट के पीछे से बोल रहा सेक्स, दो टके का नौकर, करोड़पति, ब्राह्मण, घमंडी लड़की के ब्रेस्ट छू रहा था. उसे किसने भेजा था? अरबाज खान ने. अरबाज खान कलर्स पे शो कर रहा है, पर देखना रंडे की लंडी जात क्या है, देखना लंड पे जब हिलोरे मारता है तो क्या क्या नीच हरकते करता है कीड़ा. उदयपुर में मेरी वर्जिनिटी उतारने के बाद मेरी ज्वेलरी उठा के ले गया. इससे बड़ा कीड़ा रंडा मींस कमाठीपुरा की रंडियों से गए गुजरे हैं ये कीड़े साले मादर चोर. कखन का कराया था अरबाज खान ने, उसकी लंड हिलोरे मारी थी, मुझे अकेला देख के मुझे लंड खसानी है मुफ्त की और सनाक्षी का नाम छापना है. क्या साला कीड़ा सामने आ जाना, एक बार सामने आ जा साले, तेरी लंडा तेरा मुंह तोड़ दूंगी. फिर उसके बाद ऑल द सेक्सुअल हरासमेंट्स, ऑल द डेफोमेशन. ये दो टके का नौकर बसवराज ये बोल रहा है कि मैं पायलट और पेंटर को अपने घर पे बुलाती हूँ, मैं इस घर में रहती ही नहीं हूँ, आज के बाद मैं इस घर में एक से दो घंटे से ज्यादा रहती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है दल्ली मेरे दूध दबा के मुंह रगड़वा के सलमान खान की ख्याली ब्राइड बनाएगी और बेहोश करके चूचौ देगी नंगी खुद सामने लेट के और माल निकाल के चली जाएगी. तो यहाँ इस रंडी खाने में मुझे रहना ही नहीं है. एनीवे तो वहां से शुरू हुआ इस खान की लंडबाजी का दास्तान कखन से. फिर घंटियां बजा बजा के मेरे सारे कोलैबोरेशंस इन लोगों ने तोड़े, मुझे नचाया जिम जाओ जिम जाओ जिम से ब्रा में फोटो शूट करके डाला. क्यों? सलीम की लंड खड़ी करानी थी या अरबाज की या सहेल की या सलमान की? बोलना लाड़े शत्रुघ्न, ये सब शत्रुघ्न सिन्हा ने करवाया है. इतना बड़ा रंडा इंसान मैंने देखा नहीं है. क्यों मुझसे चिपक के बैठा रहता है? क्योंकि हिप्नोसिस करके मेरी चूत बेच के खुद अवार्ड लेगा और अपनी कुतिया के भोसड़े में भरेगा. कितना महान इंसान है ना साला लौड़ा. जिम जाओ, ब्रा में फोटो पोस्ट करो, बिकिनी में फोटो पोस्ट करो. क्यों भाई क्यों? मैं अपनी बॉडी बना रही हूँ अपनी फिल्म के लिए जो अभी तक बनी ही नहीं है, और एक ऐसे इवेंट पे जहाँ मुझे क्रू और इन्वेस्टर्स मिल सकते थे, वहाँ लेट करा रहा है लौड़ा. क्या चूतिया बना है? इसे पता है कि मैं अपनी मूवी के लिए अपनी बॉडी बना रही हूँ. नहीं ब्रा में फोटो शूट करो, स्ट्रिप्टीज करो. क्यों? सलीम की लंड खड़ी करनी थी, क्योंकि जब मैं घर पे आई सलीम से चुदवाया तूने मुझे. बोलना लौड़ो, ये ना तेरी असली जात. ऐसे तू लड़कियों जवान लड़कियों का धंधा करके अवार्ड अपने हाथ में और अपनी कुतिया के भोसड़े में घुसाता है शत्रुघ्न, यही है ना तेरी असली जात कमाठीपुरा से बदतर दल्ला. क्यों सोशल मीडिया पर मेरे को ब्रा और बिकिनी में फोटो पोस्ट कराता था? खान की लंड खड़ी करके मेरे को चिदवा के अपने कुतिया के भोसड़े में फिल्म फेयर अपने गाँव में अवार्ड लेने के लिए ना. उसके भोसड़े में फिल्म फेयर मिल गया, इसकी लंड में अवार्ड मिल गया, तो अब ये बातें मुझे पता चल रही हैं और अब मुझे बोला जा रहा है कि सोशल मीडिया पे मत जाना, क्योंकि तुम निचोड़ के हम तो माल कमा चुके, मीडिया में अपने आप को तुमसे सुपीरियर दिखा चुके, तुम्हारी चुत चुतवा के खान की हवसी हवस लस्ट पूरी कर चुके, तो अब मीडिया सोशल मीडिया पर आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ईगो, हमारी जेबें, हमारी लंड की शांति सब मिल गए और तुम वही की वही रह गए. बाल भी नहीं बचे, मुंह में लाइंस आ गए, तोंद भी निकल आई. वाह कितनी महान और संस्कारी फैमिली है ये बॉलीवुड की, रंडी से बदतर जात वाले कीड़े. ब्रा में फोटो पोस्ट करो, बिकिनी में फोटो पोस्ट करो, स्ट्रिप्टीज करो, क्योंकि जब मैं रात को आके सोती थी बेहोशी की हालत में, मेरी चूत बेचता था साला.
अपनी लंड में अवार्ड पकड़ने के लिए, अपनी कुतिया के भोसड़े में अवार्ड घुसाने के लिए। ये है शत्रुघ्न सिन्हा की असली जात, जो पूरी दुनिया को जाननी चाहिए कि कितना हराम ज्यादा है ये आदमी। ये असली काली साला मादर चोद, कैसे ये नाबालिगों को अपने फ्रेंड सर्कल से उठाता है, उनका इस्तेमाल करता है और खुद अपनी गाड़ में सारा माल रखे। जब सुपीरियरिटी की लंडर ईगो में शांति मिल गई, जेब में पैसे आ गए, तब बात बताता है। ये है इसकी रंडी जात। बड़ा कैरेक्टर वाला आदमी है ना, ये है इसका कैरेक्टर साला भोसड़ी का। तो अब मुझे समझ आ रहा है कि क्यों जिम में ब्रा पहन के बिकिनीज में फोटो स्ट्रिप्टी करते हुए मैं, क्यों मेरे को सोशल मीडिया पे ये सब हिप्नोटाइज करके करवाया गया। क्योंकि जब मैं रात को यहाँ पर आती थी कि आई वेंट टू स्लीप, आई टू टेल यू ऑल इन माई लाइफ, आई स्टू नॉट गो टू स्लीप, आई वॉज बींग प्रॉस्टिट्यूटेड टू गेट दिस रंडी अ फिल्म फेयर अवार्ड आफ्टर 20 ईयर्स। आज जब मैं जिम गई, कोई पीछे से बोल रहा, आई थॉट वीड नेवर बी एबल टू डू इट, बट वी डिड इट आफ्टर 20 ईयर्स, वी रिपीटेड द भगवान अगेन। ये कौन बोल रहा था, किसके बहुत सड़े से खुशी की ललकार ये निकल रही थी? उसी के ना जो दूध दबा के चूत रगड़वा के हिप्नोटाइज करके सलमान खान के सपने दिखाती है। भाभी जी रंडी साली नाबालिका की चूच दबा के उनका माल चुरा के निकल जाती है कीड़ी। तो इस कुतिया को फिल्मफेयर दिलाने के लिए मेरे सर पे घंटियां बजाई गई, मेरे शरीर का उपयोग किया गया, मेरे पैसे चुरा के मेरी गांड घिसवा के मेरी ब्यूटी खा के खान की लंड और हवस को पूरी किया गया। उसी तरह से जैसे इन्होंने मुझे इस्तेमाल किया था वीडियो कॉन गेस्ट हाउस में 20 साल पहले दबंग वन के दौरान, मुझे हिप्नोटाइज करके मना करवा के झगड़े पैदा किए, फिर अपनी कुतिया का भोसड़ा अंदर घुसेड़ा, फिर मेरी चुच्चु दवाई खान से और दबवाया। वॉट इज न्यू, दे आर जस्ट रिपीटिंग द सेम शिट अगेन। उसी लिए मुझे गोवा बुलाया गया, उसी लिए मेरी सर पे घंटियां बजाई गई, क्योंकि इस कुतिया और इस रंडे का मार्केट डाउन होने वाला था जवान के रिलीज से, समझे? दैट्स व्हाई दे डिड दिस। एंड सलमान खान फंडेड ऑल दिस बिकॉज शत्रुघ्न सिन्हा जैसा शातिर कीड़ा अपनी गांड से एक पाद नहीं निकालेगा। पैसे तो बहुत दूर की बात है, अपनी गांड से एक पाद नहीं निकालेगा, पैसे तो बहुत दूर की बात है, दूसरे के पैसे पे खेलता है। उसी लिए दिल्ली में मैं जब अभी तो पार्टी शुरू हुई है, शूट करती थी, मेरे सर पे बैठ के पदवाता था काला जादू और तांत्रिक क्रिया करके, और मेरी चूत बेचता था सोहेल खान, अरबाज खान और सलमान खान को। और जब मैं पुलिस केस दर्ज कराने जाती थी, मेरा पुलिस केस दबवा देता था, और मैं बीमारियां लेके गायनेक को ढूंढती रहती थी बिकॉज आई वाजंट सेक्सुअली एजुकेटेड इन माय नॉर्मल सेंस, आई एम स्टिल अ वर्जिन बिकॉज ऑल दैट शत्रुघ्न सिन्हा हैज फोर्स्ड मी टू डू हैज बीन बाय ब्लैक मैजिक एंड हिप्नोसिस। सो बाय नो मीन्स वॉज एनी ऑफ दिस कंसेंचुअल, इट वॉज फोर्स्ड, एंड फॉर दैट He's gonna go to jail for so long that all the anguish that he's given me in the past 28 years will come out when daily his dick will be beaten by beatings. And that's when I will laugh the way he's laughed at me by hypnotizing me and using me as a toy in the past 6 months, funded by my husband, for whom I rub my cunt and press my boobs every day, Salman Khan. Wow, and I've realized all this today, I just don't get any sleep. I'm in such a blissful state that I want to get all you bastards behind the bars. So the prostitution scam started in Goa in July, and I was prostituted to Salim Khan, Arbaaz Khan, Sohail Khan and Salman Khan, given the hopes that he's my husband and I'm decorating everything for him. He's going to come and move in with me and stay with me as my boyfriend. That's what he hypnotized me into believing and made me work like a laborer. Then he hypnotized me into believing that we are replacing Sonakshi Sinha with you in Dabang 4. The same game he played with me
when my father was about to die for the bunk 3. Made me run, assaulted me, क्या किया नहीं किया कि मैं अपने मरते बाप के अंतिम दिनों में उसके साथ नहीं थी. ये तो इसकी बहुत पुरानी आदत है टू डैंगल द कैरेट एंड गिव यू दिस एब्सोल्यूटली नथिंग. आज सोनाक्षी के भाषा में फिल्मफेयर सज गया, इसके लंडन पे अवार्ड सज गया, दुनिया में दिखा दिया कि मेरी कतिया सलमान खान के साथ मीडिया के सामने लंडन भाषा लड़ाती हुई नाची. पूजा मिश्रा तो ख्याली पुलाव बना रही है. आज रात लंडा बाप और लौड़ी बेटी बड़ी शांति की नींद सोएंगे, बड़ी शांति की नींद सोएंगे. पूरी दुनिया का जता दिया कि हम ज़्यादा सुपीरियर, ज़्यादा कनेक्टेड, ज़्यादा मीडिया में फैलने वाले, ज़्यादा पैसे वाले, ज़्यादा कांटेक्ट वाले लोग हैं. मेरे सर पे तांत्रिक बैठा के घंटियाँ बजा के आई एम डिमांडिंग फिल्मफेयर टू टेक बैक द अवार्ड फ्रॉम सोनाक्षी सिन्हा. और अब ये जब आप लाइव देखेंगे फास्ट फॉरवर्ड मोड में चलेगा, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रवीणा भारद्वाज के थ्रू मेरे को इवेंट मुफ्त में कराया फिल्म फेयर के लिए. 4 से 5 इवेंट मैंने इस हरामजादी मैगजीन के लिए फ्री में किया है 2007 से लेके 2009 तक. फर्स्ट वॉज विद्या बालन कवर लॉन्च, जिसके लिए बार्टर डील थी कि आई डू द एंकरिंग फॉर फ्री, आई डू माई मेकअप एंड हेयर फॉर फ्री, आई विल गिव द मनी फॉर माई कन्वेंस बट दे विल प्रिंट अ पिक्चर. They honored that barter deal. Second was for Ajay Devgan and Kajol, उन्होंने कोई किडी पिक्चर बनाई थी उसके लॉन्च के लिए सूत्रा में, जहाँ मैं जाके नए कपड़े, मेकअप, हेयर, यू नो, टैक्सी लेके पहुंची. इन्होंने सारा मेरे को तो धो लिया, निचोड़ लिया, एंकरिंग करा ली. और फिर जब इट वॉज अंडरस्टूड दैट दैट्स द डील बिकॉज वी हैड डन इट बिफोर एंड दैट ऑनर्ड इट, so I trusted them, so I put in an extra effort, I put in more money. फिर जब मैगजीन हाथ में आए उसमें रमोना नारंग की फोटो छपी हुई थी मेरे बजाय. ये किसकी लंडबाजी थी? शत्रुघ्न सिन्हा के, क्योंकि नारंग से इसने पैसे लिए थे जैसे सलमान खान से लेके मेरी जिंदगी 6 महीने इसने नरक की अपनी कुतिया को फिल्म फेयर दिलाने के लिए, जब उसने सिर्फ अपनी जिंदगी में मुझे कॉपी करके मेरी चूत बेच के आगे बढ़ी है लौड़ी राण. सो दिस वॉज माई सेकेंड इवेंट विथ फिल्म फेयर. फिर मेरा तीसरा इवेंट फिल्म फेयर के साथ था अ कवर लॉन्च विच आर एंकर्ड फॉर देम. ऑल दीज वर कवर लॉन्चेस विच आई वॉज एंकरिंग विथ ऑल द टॉप डायरेक्टर्स ऑफ बॉलीवुड. देयर वॉज फरहान अख्तर, there was Rakesh Om Prakash, there were all these Rakesh Roshan, there were 5-6 known directors who had appeared on the cover of film fair. So they called me, Praveena Bharadwaj ki lodi Shatrughan Sinha ki lande chusti hogi. So she called me. I said, but Praveena, I want some money this time, you know, last time you all didn't honor your promise. I'm there na Pooja, don't worry darling, I'm there na, I will make sure we honor our promise. और मैं बेचारी बच्ची थी उस समय, मेरी उम्र क्या थी, as a fucking kid. एक घंटे मेकअप करके, पार्लर में बाल बनवा के, नए कपड़े खरीद के, एसी कैब लेके इवेंट पे पहुंच गए. वहां पर इसने रात भर बैठ के मेंटलिज्म करा के मेरी पेट में ब्लोटिंग कराई. I was bloating at that event. But I did it seamlessly because I am a better anchor than even Salman Khan and he knows it. I don't need a script. I'm totally spontaneous. My vocabulary is more articulate than his gawar, sadak, chaap, randi, bazi, gandhi zuban. So I did the anchoring and all the directors were very appreciative of my work. And I told Jitesh and Praveena, I'm leaving. I said, okay. I came back home. The magazine was published. I opened. No picture of mine again. I can sue Filmfare for this dishonoring of their word. I can sue Praveena Bhardwaj. I can sue Jitesh Pillai. Because Shatrughan Sinha used them as a toy.
to make me work like a laborer, give me false promises which he's famous for, and not honor them. He's done that a million times. Mentalism se khwabi pulao pakwata hai na. You are married to Salman Khan, masturbate over him, jana and this, that. You're going to Switzerland with him for Christmas. You're doing a movie with him, you're replacing Sonakshi Sinha. ये तो बहुत पुराने खेल है. ये तो इस हरामजादे ने 2016 में भी खेले थे जब मेरा बाप मर रहा था. क्या नई बात है, ये तो इस लौड़े का बहुत पुराना खेल है और इसके लिए अवार्ड उठा रहा है. दुनिया को दिखा रहा है कि मेरी लौड़ी लंडे के साथ पहले नाचेगी स्टेज में, मुंह तो लड़ाएगी मीडिया के सामने, जब रात के अंधेरे में ये इसका बाप और इसके भाई से चुदवाता हूँ मैं रात के अंधेरे में. क्यों लौड़ूं, यही कर रहा है ना तू मेरे साथ 28 साल से, यही है ना तेरा सच. पूरी दुनिया में गाऊंगी साले कीड़े, इतना घिनौना इंसान तू, साला भिक्कारी, कमाठीपुरा के दल्ले से बदतर. और ये लौड़े खान ब्रदर्स मुझे चौथ चौथ के मुझे कंपीट कर रहे हैं, मुझे ट्रोल कर रहे हैं, अपना नया शो शुरू कर रहे हैं. और पूजा मिश्रा का क्या पता, रात में बस लंड की हवस पूरी करने के लिए और मुफ्त की ज्वेलरी, कॉन्टैक्ट, पैसा चुराने के लिए है सिर्फ. क्यों लौड़ो, यही सच है ना तुम्हारा अरबाज, सोहेल, सलमान और सलीम है कि नहीं? अब बड़े रॉयल फैमिली बनते हैं भिक्कारी साले. दबंग वन, दबंग टू, दबंग थ्री, ऐसे ही दिमागी खेल 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 के सनाक्षी का भोसड़ा बेचा. 20 साल बाद उस जैसी रंडी कुतिया क्रिमिनल को फिल्मफेयर अवार्ड दे रहा है और मुझे लेबरर की तरह काम करा के अपने वर्ड को डिसऑनर किया, जिसके लिए मैं आज भी तुम्हें सू कर सकती हूं. हाउ डेयर यू मेक मी वर्क लाइक अ लेबरर एंड गिव मी फॉल्स प्रोमिसेस एंड नॉट ऑनर देम. हाउ डेयर यू. सोनाक्षी के भोसड़े में फिल्मफेयर घुसाने के लिए सलमान खान, मेरा पति, जिसके लिए मैं दूध दबा के मुंह रगड़ती हूँ ना 6 महीने से रोज, पैसा दिया था घंटी बजाने के लिए खोपड़े पे, अपने बाप, अपने भाई और खुद को कि लंड की हवस एक नाबालिग ब्राह्मण की चूत में निकालने के लिए भी पैसा दिया था. ऐसा लौड़ा है ये कीड़ा. और जिसने ये सब किया शत्रुघ्न सिन्हा उससे बड़ा लौड़ा है. ब्रा पहन के फोटो छापना, बिकिनी पहन के फोटो छापना, स्ट्रिप टीज करते हुए फोटो छापना, लंड की हवस पूरा करूंगा तो मेरी कुतिया के भोसड़े में फिर से फिल्म पैर सजेगा. क्या लाड़ो साला कीड़ा. ऐसे इन लोगों ने मेरे दिमाग को कंट्रोल करके मेरा इस्तेमाल किया वो पाने के लिए जो मेरी किस्मत में लिखा था. किसी ने पैसा फेंक कर अपनी लंड की हवस पूरी करके किया, किसी ने घंटी बजा के मेंटलिज्म करके किया. एक से बदतर एक, ये इनकी घिनौनी जात कि एक लड़की अकेले अपने बाप की बैड डेथ्स बचाने में अपनी जान दे रही है. उसके दिमाग को हिप्नोटाइज करके ख्वाबी पुलाव बना, सलमान खान आके तुम्हारे साथ यहाँ रहेगा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, तुम्हारा पति है, और भूत किसके साथ लड़ा रहा है मीडिया में, देखना लड़ू को पैसे देके मेरे को ख्वाबी पुलाव पकवाता था कि रात के अंधेरे में आके चौदह ले और सुबह मेरी मूत रगड़वा. कितना रॉयल आदमी है ना ये रंडा परिवार, कितने घिनौने, फिल्दी, ग्रॉस, फिल्दी पिग्स, फिल्दी पिग्स, साले कीड़े. ये इनकी असली जात है जो दुनिया को छाती ठोक ठोक के बताऊंगी साले मादर चोदो. अब मेरे को मेरा अवार्ड मिल गया, मेरी कुतिया के भोसड़े में माल सज गया इतने बड़े क्रिमिनल हम दोनों होने के बावजूद. अब सोशल मीडिया पे आना बंद हो जा, अब तेरे को पूरी बात बताएंगे जब हमारा पेट भर गया. क्यों लड़ बोल लंडे काले, बोल लड़े
इसीलिए मुझसे चिपका बैठा है 28 साल से मेरी चूत का धंधा करके अपनी कुतिया का भोसड़ा सजाने के लिए। ना लौड़े चेचक लंड बाल ना लौड़ो, इसीलिए खेल खेला ना चूतिया बनाने का 6 महीने, क्योंकि असली में तेरे लंड में लकवा लगता है, तेरी भोसड़िया के भोसड़े में, इसीलिए मेरे बाल नहीं बचे, इसीलिए लाइन्स आई हुई हैं, इसीलिए तोंद निकली हुई है। सच है कि तुम लोग जलंटे भोसड़ी वाले यूजर्स हो। मुझसे पहले शत्रुघ्न सिन्हा जिसने मेरा फोन हैक किया है, उसे भनक लग जाती है कि कौन आदमी मुझसे अट्रैक्टेड है और मेरी चूत बेचने का प्रपोजल भेजने लगता है। लौड़ा 70 साल का बड्ढा केड़ा भोसड़ी वाला रंडा, अपनी लंड पे अपनी ट्रॉफी रगड़ रहा है ना लौड़ू, 6 महीने मेरी चूत चुदवा चुदवा के। बोलना लंडे, मुझसे पहले इसे भनक लग जाती है कि कौन लड़का मुझे पसंद करता है और उसे कांटेक्ट करके बेहोशी के हालत में मेरा शरीर बेचता है। ये है बड़े संस्कारी, बड़े ट्रेडिशनल, बड़े कल्चर्ड रंडे सेना के। और खान की जात तो मैं बता चुकी हूं, घिनौना फिल्दी पिग्स कीड़े, यही चल रहा था यहां पर 28 जून से। फिर पूनम के भोसड़े में लगा लकवा और सलीम के साथ मिलके उसने मुझे मरवाया हॉकी स्टिक से। सलीम और पूनम ने मुझे मरवाया हॉकी स्टिक से और फिर मैं चली गई पुणे जन्माष्टमी के लिए। और उसके बाद उसी रंडे से जिसने हॉकी स्टिक से मुझे मरवाया है, चुदवाया शत्रुघ्न सिन्हा ने। ये है इनकी जात, सब बेहोशी की हालत में, मुझे कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, क्या हो रहा है। मैं तो घर आके चुपचाप अपना घर लॉक करके सो जाती थी। तब इस चेचक लंड की लंड में हिलोरे पड़ते थे ना, तब साक्षी जब बैठ के चूतरा गड़वा के दूध दबवा के ख्वाली पुलाव पति के देके अपने भोसड़े को खोल के यहां पर क्लाइंट लाके मेरी चीजें चुरा के कटती थी। ये है इनका गंदा खेल और ये मैं सुप्रीम कोर्ट में दर्ज करके मानूंगी, क्योंकि अब 28 साल पूरे होने को आए कि तुम लोगों ने ये गंदगी मेरे साथ की है। 28 साल पूरे होने को आए जब से ये गंदगी तुम लोगों ने मेरे साथ की है। जिस इंसान की गांड में इतना दम है कि मुझे हॉकी स्टिक से मरवा रहा है, वो इंसान मेरे घर में आके 10 दिन बाद मुझे चौदरा और चुदवा रहा है। वारे वाह, यहां पर तो इनका अंधा राज चल रहा है। तब ये बात नरेंद्र मोदी, अमित शाह, प्रमोद सावंत, सीपी मुंबई तक पहुंचा के रहूंगे। उसीलिए सुबह दोपहर शाम मेंटलिस्ट काले जादू से गाड़ में उंगली करते हैं, क्योंकि रात को चौदते और चुदवाते हैं ना, तो दिन में पागल दिखाते हैं कि केस ना कर पाए कोर्ट में। जब मैंने अपनी रीढ़ की हड्डी तोड़ के 3 केस लॉन्च किए थे 2015 से, मेरे ब्रदर को पैसे देके हम मेंटलिज्म से इंटरवीनर बना के केस रुकवाए। जब मैं हाईकोर्ट में गैंगरेप का केस लॉन्च करने जा रहे थे, मेंटलिज्म से मेरे भाई से मेरी स्कैफोल्ड बोन तोड़वाई। किसने किया था ये? किसने किया था ये? अरबाज ने या शत्रुघ्न ने? बस कितना मरवाया है तुम मादर चौधों ने मुझे 28 साल में, कितनी हड्डियां तोड़वाई हैं, कितने मर्डर अटेम्प्ट किए हैं मुझ पे, कभी खान ने कभी सिन्हा ने। एंड यू नो आई डोंट केयर, इवन इफ आई डाई दिस वेरी सेकेंड आई डोंट वांट टू लिव एनी मोर, आई डोंट वांट टू लिव एनी मोर, बिकॉज यू ऑल हैव यूज्ड ब्लैक मैजिक एंड मेंटलिज्म टू मेक मी अ लूजर एंड मेक सोनाक्षी सिन्हा विनर। While you had group sex with me in an unconscious state and dilated my nabalik chut into tried to make it into a bhosada like hers, and then she used to steal my
contact lenses, my money, my moisturizer and leave. कितने रॉयल और संस्कारी लोग हैं ये. सोनाक्षी सिन्हा अपने पालतू कुत्ते को बोलती थी, डालिए सोशल मीडिया पे अभी पूजा को गुमराह करने, और उसके बहुत सारे का दीवाना तुरंत डाल देता था. इसीलिए पैसे दिए उसके लौड़े बाप को मुझे दबा के, उसे विनर बना के मुझे लूजर बनाने के लिए. While simultaneously he and his brothers and his father were raping me. ऐसे कीड़े कभी किसी ने देखे? देखे ऐसे रंडे कीड़े देखे किसी ने? और हिप्नोसिस करके भाभी जी मेरी चूत रगड़वा के दूध दबा के पति के ख्याल देती थी, जब पति से चूत लड़ाते हुए वो मीडिया में दिखती हैं. क्यों लड़ी बोलना? यही है ना तुम लोग की असली जात? यही हो ना तुम लोग असलियत में? इतने गंदे, इतने घिनौने, छल या बल से फिल्म फेयर मेरी भसड़िया के मुंह तुम्हें ही सजना चाहिए. क्या लाड़ू दो इंच की लंड सलमान खान, चलिया बल से 20 साल बाद फिल्मफेयर मेरी भसड़िया की मुंह तुम्हें सजना चाहिए. उसके लिए मैं पैसे देके पूजा मिश्रा की बलि चढ़ाऊंगा. मुझे शाहरुख खान को नीचा दिखाना है कि उसने पूजा मिश्रा के लिए जवान नाम की पिक्चर रिलीज कैसे की. मेरे रंडी काली चेचक लंड, मेरी भसड़ी दल्ली सिंदूरनी, और मेरे लंड के लिए बेहाल नंगी साथ में किसी के साथ भी लेटने के लिए तैयार सोनाक्षी को नीचे दिखाने की हिम्मत कैसे की शाहरुख खान ने? Am I right? दो इंच की लंड जिसमें वैसे भी लकवाई लगा हुआ है. Am I right? It hurt your ego. It hurt your ego. That शाहरुख खान जैसी तुझसे हजार गुना ज्यादा खलासी, तुझसे हजार गुना ज्यादा वेल स्पोकन, तुझसे हजार गुना ज्यादा फेमस, एंड दैट टू इन द एलीट सर्कल. यू गॉट ओनली रस्ता छाप, भिखारी, रिक्शा वाला क्राउड. आई एम सॉरी, यू गॉट नो क्लास. ऐसी बड़ी हस्ती पूजा मिश्रा जैसी मेरी नौकरानी, जैसे मैं, मेरा भाई, मेरा बाप 2005 से चौधर है, इतनी बड़ी हस्ती पूजा मिश्रा को कैसे सपोर्ट कर सकते? Am I right? लौड़ू, इसलिए पैसे खिलवाए थे ना, क्योंकि तेरी भोसड़ी की मुंह तुम्हें लकवा लग गया था, उसके ईगो में लकवा लग गया था. उसीलिए मेरे सर पे घंटिया बजा के, मुझे चौद के, मेरी गाड़ घिसवा के, मेरे बाल गिरवा के, मेरे मुंह पे लाइन दिलवा के, मेरी तोन निकलवा के, अपनी लंड की हवस पूरी करके, मेरे घर में तोड़म ताड़ी करा के फिल्म फेयर उसी के भोसड़े में सजा, क्योंकि शाहरुख खान को नीचा दिखाना था. शाहरुख खान पूजा मिश्रा की मदद कैसे किया? ये इंडस्ट्री मेरी है, मेरी भगड़िया की है. उसके साथ लौड़ा जो पूजा मिश्रा को 2005 से चौधरा है, मुंह तो मेरी कुतिया के साथ लड़ाएगा मीडिया में. क्या लड़े शत्रुघ्न? बाल बाल लड़े, और इसके लिए अवार्ड लेके जा रहा है कीड़ा. इसके ईगो में लगा लकवा, क्योंकि इसकी रंडी बीवी और बेटी ने ही संभल बैठाई थी. इसे डर लग गया कि मेरी बेटी का करियर जाएगा, तो इसने सारा कांड किया. गोवा में बुला के खान की लंड को शांति दिलाई, मुझे चुदवा चुदवा के, मुझे बिकिनी में फोटो छपवा छपवा के उनकी लंड खड़ी करने के लिए, क्योंकि तीनों खान ब्रदर्स की लंड वैसे भी खड़ी होती नहीं है. बुढ़े हो गए साले, पर अपनी जात दो टके के नौकर चिंदी चोर की बदली नहीं अभी तक. रॉयल फैमिली कितनी रॉयल है, सुनो ना मुझसे. छलिया बल से मेरी कुतिया के भोसड़े में फिल्म फेयर सजेगा, तो शाहरुख खान नीचे दिखेगा. क्यों लड़े काली?
तू ही काली है ना साला, तुझे कचल डालूं जो 28 साल तूने मुझे 14 और चुदवाया और शादी नहीं होने दी, जिंदगी नहीं जीने दी, लेबरर की तरह झूठे प्रॉमिसेस ख्वाली ख्वाली पुलाव बनवा बनवा के गांड घिसवाई, मेरी प्रॉपर्टीज खाई, मेरे पैसे खाए, मेरी फैमिली से दूर किया, मुझे पागल किया। इतना बड़ा क्रिमिनल अवार्ड पा रहा है, अवार्ड पा रहा है, इतना बड़ा रंडा। सोनाक्षी सिन्हा, पूनम सिन्हा, सलमान खान और शत्रुघ्न सिन्हा की गांड और लंड में और भोसड़े में लगा लकवा करने के बाद, याद है ना जब मैंने गिफ्ट किया था SRK को एक रील दैट पूजा कुड बी योर मेन लीड, तो मुझे पोस्ट नहीं करने दिया अगले दिन। फिर कोई चूतिया भेज दिया, आई एम टेकिंग यू टू शाहरुख खान फार्म्स, याद है ना वो सारा कांड, सब शत्रुघ्न सिन्हा ने किया और उसके लिए पैसे भी लिए। ये होता है असली शातिर, रंडी का रंडी। मुझे दबाने और मेरी चूत चौध के चुदवाने में इसे तो बड़ा मजा आता ही है, विंसर में यही सब तो चलता था। और इस बार उसके लिए माल भी गिनने को मिला, भसड़िया के मुंह में 20 साल बाद फिल्म फेयर भी सजा, इसकी लंदन में कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड भी सजा। वाह रे वाह, मजा आ गया। अब पूजा मिश्रा को बता दो, हमारा पेट भर गया, मीडिया और पूरी दुनिया को हमने दिखा दिया इसे चुदवा के, हमने इसे 20 साल बाद फिर से नौकर बनाया, क्या लड़े साले कीड़े, खाली पुलाव बनवाएगा, इमेजिनरी हल्यूसनरी पुलाव। सलमान खान तेरा हस्बैंड है, जब उसकी बेटियां नंगी लेट के वो यहाँ नंगा लेट के मुझे चौध रहे, मेरा पैसा चुरा रहे, मुझे नौकर बना रहे, क्योंकि उन्हें मजा मिलता है सब करके, क्योंकि ये सब साले कीड़े मुझसे जलते हैं, जलते है। ईगो ले नहीं पाया कि इनसे ज्यादा क्लासी रिच मोर फेमस अमंग्स द एलीट सर्कल शाहरुख खान ने अपनी पिक्चर का नाम जवान कैसे रखा, ये बात हजम नहीं हो पाई। सलमान खान से पहले उसकी भसड़िया को जो 2005 से मेरी चूच दवाती है, उसके लौड़े नल्ले भाइयों और बाप से और उससे खुद, बात हजम नहीं हो पाई। तो सर पे घंटियां बजा बजा के मेरी चूत बेच बेच के लौड़ी पहुंची फिल्म फेयर तक, और बीच में इमेजिनरी हेल्यूसनरी गेम खेले कि सलमान खान तेरा खसम है, मुझे हटा के तुझे ले रहे दबंग में मेन लीड की तरह, क्या क्या नहीं, सब ये मेंटलिज्म से हुआ, ये सब शत्रुघ्न सिन्हा ने किया, सब खेल चूतिया बना के गांड घिसवाना, तुम्हारे पैसे नोच के जो ट्रांजैक्शन है, तुमसे तुम्हारी मेहनत लेके कुछ नहीं देना। 28 साल से देख रही हूँ ये खेल, क्योंकि लौड़ू मुझसे जलता है, जानता है मैं इससे और इसकी भोसड़िया से ज़्यादा कैपेबल, ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, तो ये छलिया बल से मुझे दबाएगा। और सलमान खान जैसा चूतिया रंडा लौड़ू लस्टफुल बास्टर्ड मिल गया बली का बकरा, चल इसे पैसे नोच के दबाऊंगा, दबा तो ये मुझे 28 साल से रहा है, इसमें नया क्या है, नया ये है कि इस बार इसे पैसे मिले, तो और हुमच के और पीस के दबाया लौड़े ने, ये इनकी असली चाप। और यही चल रहा था मेरे साथ 6 महीने से। 6 महीने बाद क्यों पता चला, क्योंकि अभी शत्रुघ्न सिन्हा की लंड में शांति, इसकी भसड़िया के मुंह में शांति मिल गई ना, अवार्ड से सज गई, मीडिया में पूजा मिश्रा हमारी नौकरानी है उसके सर पे तांत्रिक बैठा के सब किया, बोले कि हिम्मत है कि छल से हम जीते, छल करके पूजा मिश्रा की चूत खान को बेच के हम जीते, खान से ये रंडी बाजी का पूरा कंस्पिरेसी फंड करा के हम जीते, साले भिक्कारियों, खुद की तो कोई वक्त है नहीं, खुद तो कोई इन पे पादता है नहीं,
पार्टी पार्टी अपनी कटी हुई लंड को लेके घूमता है और फ्लॉप पे फ्लॉप की पाद खाती हुई कुतिया घूमती है लंड चूसते हुए। कभी सलमान खान की लंड चूसती है, कभी अक्षय कुमार के गोवा के घर में बैठ के उसकी लंड चूसती थी, फिर उसकी बीवी ने लाथ मार के इसे हटा दिया। लंड के लिए बेहाल की मुझे पिक्चर मिल जाए, पिक्चर पिक्चर पिक्चर, इसीलिए मेरी पिक्चरें चुरा ली। इनसे ज्यादा डेस्परेट और बाजारू लोग मैंने तो देखे नहीं अपनी जिंदगी में। आई डोंट हैव एनी वर्क बट आई एम नॉट एज डेस्परेट एज देम। मैं कभी किसी के सर पे तांत्रिक बैठा के फिल्म फेयर नहीं जीतूंगी, क्योंकि वो विक्ट्री फेक विक्ट्री है, फेक विक्ट्री। और वो भी ये बोल के कि मेरा बॉयफ्रेंड फंड कर रहा है, और मुझे चूतिया बना के तेरा बॉयफ्रेंड है या तेरा पति है, चल उसके लिए चूत रगड़, दूध दबा और उससे चुद, मैं नंगी बाजू में लेट के तेरी चीजें उड़ा के निकाल के ले जाऊंगी, क्योंकि मैं असली में मेरे भोसड़े में आग लगती है तुझसे, और मीडिया में अपने आप को बड़ा ग्रेसफुल दिखाने के लिए तेरी आवाज बनती हूँ, क्योंकि असलियत में मेरे भोसड़े में तुझसे आग लगती है। उसीलिए तूने फंड कराया था ना सलमान खान से पूरा तांत्रिक का कांड, 6 महीने जो मुझे टॉर्चर सहना पड़ा, क्योंकि तेरे भोसड़े में मुझे देख के आग लगती है, और तेरे लंडे चेचक लंड, ये तो जेल जाएगा, सीधे जेल जाएगा कीड़ा, उसके लंड में आग लगती है मुझे खुश और सुंदर लगता हुआ देख के और अपनी जिंदगी जीते हुए। सच यही है, शत्रुघ्न सिन्हा के ईगो को डाइजेस्ट नहीं हो पाया कि शाहरुख खान ने एक करारा झापड़ उसे मारा, तो उसने सलमान खान से अपनी बेटी से सलमान खान की लंड चिसवा के पैसे लेके वो किया जिसे इसके ईगो को सेटिस्फैक्शन मिले। एंड व्हाट वाज आई, जस्ट अ पॉन, द वे दे यूज मी इन विंसर फॉर 7 years, दे यूज मी अगेन फॉर 6 months इन गोवा। लंड की दहशी दरिंदे खान घिनौने रंडी साले, थो मुझे चौथा है मेरी वजनती जबरदस्ती रेप करके खाता है और बोलता है सोनाक्षी सिन्हा की अच्छी बॉडी है, थो और मेरी ज्वेलरी भी उठा के चिंदी चोरी करके निकल जाता है, थो। यह है खान की असली जात, उससे मुझे चुदवा के अपनी बेटी, उससे मुझे चुदवा के अपनी बेटी के भोसड़े में फिल्म फेयर सजाया, क्योंकि शाहरुख खान को दिखाना था कि गलत होके भी हम तुमसे ज्यादा मीडिया में चाहेंगे और ज्यादा फेमस और ऑनर्ड होंगे। क्यों लड़ू, क्यों बसड़िया, मुंह तुम्हें आग लगी थी ना जवान के नाम को सुन के लौड़ी साली रौन, यही खेलता ना तुम्हारा साले भिक्कारियों। रंडी के रंडी से बदतर, दल्ले के दल्ले से बदतर है ये कीड़े, और खान भी एक नंबर का बदजात क्लासलेस गंदा घिनौना फेल्दी बास्टर्ड्स, फेल्दी फेल्दी। मुझे स्विट्जरलैंड ले जाएगा कीड़े, मैं तुझ पे पा दूंगी नहीं, तेरी औकात नहीं है मेरे जैसे खानदानी चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की बेटी के पास बैठने की, तू मुझे स्विट्जरलैंड लेके जाएगा, तेरे मुंह पे हग दूंगी भोसड़ी के, मैं अकेले चली जाऊंगी, तो जैसे कीड़े को एक सेकंड के लिए एंटरटेन नहीं करूंगी साले लौड़ू। 13 साल मेरे को बैन करके पुणे के घर में 14 शहर शहर बुला के खान ब्रदर्स और खुद सलमान खान और सलीम खान ने 14, फिर अपनी मुंह तो लड़ाएगा मीडिया के सामने लंडी के साथ, वही करेगा जो उदयपुर में किया था, वजनटी को चाद के मेरी मूत से खून की नदियां बहा के उसके भोसड़े की सिफारिश और एडवर्टिजमेंट ट्विटर पे लौड़ू। इतने रंडे होना तुम लोग, इतने गंदे होना तुम लोग, फिल्दी पिग्स, एंड आई वेस्टेड माई इमोशंस बिकॉज ऑफ दैट रंडा आमिर, उसकी तो लंड काट के उसकी गाण में भरूंगी भोसड़े के, या हर सुबह रिचुअल दूध दबा के मूत्र गड़वाता था क्लाइंट की लंड में शांति दिलाने के लिए, थोड़ा इमोशन भी होगा चौध के साथ, थोड़े आंसू भी होंगे, तो मरी हुई बुढ़ी लंड तीनों भाइयों की और सलीम की और ज्यादा खड़ी होगी,
उस लिए ऐसे रंडे हैं ये लोग। ये इनकी असली जात जो सारी दुनिया जानेगी।